बारिश के दिनों में शहर में गंदे पानी की निकासी को लेकर जहां जिला प्रशासन व संबंधित विभाग द्वारा नाली व नालों की व्यवस्था के माध्यम से बेहतर व्यवस्था किए जाने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर के बड़े नालों में से एक इन दिनों विभागीय लापरवाही के चलते नाले से जुड़ी जर्जर खस्ताहाल दीवारों के कारण इस नाले में गिर रहे मलबे के कारण भविष्य में बारिश के दिनों में बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी एक बड़ी सच्चाई अलवर न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कि किस तरह अलवर शहर के काली मोरी फाटक से 11 बांध तक जाने वाले इस बड़े नाले की सुध को लेकर नगर परिषद सहित संबंधित विभाग सोया हुआ है। वहीं इस नाले की दीवार जर्जर होने के चलते आए दिन इस नाले में दीवार से जुड़ा मलबा इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते जहां स्थानीय लोग भविष्य में इलाके में पानी भर जाने सहित कीचड़ की गंदगी फैलने को लेकर डरे हुए हैं, वहीं इस तरह की शिकायत लगातार स्थानीय पार्षद से किए जाने के बाद भी आज तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में आप स्वयं सुनिए कि स्थानीय लोग इस तरह के हालातों को लेकर किस तरह भयभीत हैं। नाले को चुनवाओ, बच्चे का गिरने का डर है, गिरने का डर रहता है, प्रशासन से 3-4 बार दिक्कत है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रशासन में पानी भर जाए, घोड़ा घोड़ा निकलना भी दुर्लभ हो जाए। पार्षद से बोल दी 4-5 बार। पार्षद का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। ये हमारी शॉप है और हम यहाँ पे रहते हैं, और हमारे यहाँ पे ये नाला है, इसके एक दीवार गिर गई है और आए दिन यहाँ पर पशु और गिरते रहते हैं और आदमियों के भी गिरने का खतरा रहता है नाइट वाइट में। तो ये यहाँ पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, काफी दिन आज तक तो कोई बंदा आया नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे आने जाने वालों को नाले की दीवार गिरी पड़ी है, परेशानी होती है। कोई भी ढोर डांडा भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है इसमें। इसको करीबन 1.5-2 महीना उससे ज़्यादा हो गया और कोई ध्यान देता नहीं है इसमें। बच्चे, छोटे बच्चे, इनको भी परेशानी है, साइकिल वगैरह चलाते हैं वो भी गिर सकते हैं। पर जाता है मोहल्ले में गोटा गोटा गंदा सारा पानी बस्ती में घरों में जाता है। इस चीज़ को ना तो पार्षद ध्यान देता है, कई बार पार्षद से बोला था